हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। लगातार कृष्णपाल गुर्जर का पलवल के गांव या होटल के गांव में लगातार दौरा जारी है। जिस तरीके से चुनाव की वोटिंग नजदीक आ रही है, वोटिंग के टाइम जो कहते हैं कि नजदीक आ रहा है, उस पर लगातार भीड़ का सिलसिला या लोगों का सिलसिला अपना अपना बदलता जा रहा है। कहते हैं भीड़ अपना लोगों की जो जनसभाएं भीड़ में तब्दील होती नजर आ रही है। फिलहाल के तौर पर देखिएगा जिस तरीके से यहाँ पर अच्छी खासी बता दीजिए कोराली गाँव में है, और कोराली गाँव आपको बता दें यहाँ पर कृष्णपाल गुर्जर का एक अलग ही नाता है इस गांव से। फिलहाल में हाथ रख लो, पहले चलो तो देखिएगा जिस तरीके से कोराली गांव में पहुंचे हैं, और कोराली गांव में फिलहाल में कोराली गांव में जिस तरीके से आप ये देखिएगा कृष्णपाल गुर्जर का अपना इस गांव से नाता इसलिए है क्योंकि यहां पर कृष्णपाल गुर्जर जी की सीधे से लगे हैं, तो बहन भी आई है, बहन का गांव भी है, बहन के ससुराल भी है, तो फिलहाल के तौर पर अपना घर माना जाता है इनका। और तमाम देखिए जिस तरीके से गाँव की सरदारी कोराली गाँव की सरदारी भी यहाँ मौके पर है, तो देखिए लोगों की यहाँ पर जो सबका सम्मान यहाँ पर देखने को मिला है वो भी आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल के तौर पर तमाम जितने साथी जुड़े हैं नजदीक आइए, यहाँ भी साफ साफ देखिए बोल चुका है कृष्णपाल गुर्जर का प्रधान बहादुर धन्यवाद 300 बार 400 बार। जिस तरीके से फिलहाल के तौर पर भाई साहब कैसा माहौल चल रहा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। किसका माहौल चल रहा है? मोदी जी का चल रहा है, कृष्णपाल गुर्जर जी का चल रहा है। मोदी जी 400 पार अब की बार 400 पार। अच्छा चलो अच्छी बात है, आप देखेंगे किस तरीके से पूछते हैं लोगों से बाबा कैसा माहौल चल रहा है इस गांव में। मोदी जी 400 बार किसी बार 400 बार ही हो गया, किसी बार ला रहे मोदी जी को, मोदी जी को फिर ला रहे दुनिया का एरिया हम कहा गएंगे बहुत अच्छा माहौल चल रहा भाई। क्या लाओगे मोदी जी? फिर किसी आते ही मोदी लाएंगे भाई। हर मोदी घर है मोदी, हर मोदी घर है मोदी। बाबा कैसा माहौल चल रहा है यहाँ पर? बढ़िया चल रहा है, गर्मी बढ़िया है, गर्मी बढ़िया। चुनाव की गर्मी कैसी है जी? चुनाव की गर्मी बताओ। चुनाव में माहौल कैसा है? चुनाव का पता पड़ेगा आए आज। मोदी जी को क्या तीसरी बार ला रहे हो? मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तीसरी बार। अच्छा तो देखिए तो यहाँ पर देखिएगा फिलहाल के तौर पर वैसी परिवार का लगातार चुनाव आते जुड़े होते हैं, पर चुनाव प्रचार के लोग पहुँचते हैं, तो ये देखिएगा गांव के लोग मौके मौजूद हैं, गांव में ये तमाम जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं अपने भीड़ जुटा रहे हैं, अपने अपने समर्थक भीड़ जुटा रहे हैं, और इधर कृष्णपाल गुर्जर के लोग अपने भीड़ जुटा रहे हैं, उधर महेंद्र प्रताप ग्रुप और कांग्रेस के भीड़ जुटा रहे हैं। दमकल भरने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव कौन कितना दमकल भर सकता है। तो देखिए आइए उधर माननीय जगदीश चंद्र विधायक जी का, उन्होंने आपसे
जी और सारे चीज को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मंत्री जी के लिए आपको खाते में 6,000 रुपए साल निकालने की बात हो, 5,00,000 तक के मुफ्त में इलाज
समझते हैं, अभी वो रिकॉर्ड करेगा चुनाव आए को पकड़ा जाते हैं। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, जो आपकी समस्या है उसको निश्चित तौर पर और वैसे भी कई झूठ बोल सकता हूं, लेकिन जहां बहन ने रखे मुझे झूठ बता दूंगा, तो इसलिए आपको चिंता नहीं करनी, आपको बिजली के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब से मोदी प्रधानमंत्री बना है दुनिया में देश के काम तो हुए, देश के नागरिक दुनिया में फंस जाता है, तो उसको जिसे परिवार के पापा मुसीबत में फंसे बच्चे को निकाल के लाते हैं, ऐसे हर भारतवासी को दुनिया से संकट से निकाल के लाना ये मोदी जी की गारंटी है। ईमानदारी से सोचो, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री और मोदी जी कर सकता हो तो कर भी सारी बातें। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी के अलावा मुझे कोई एक दल बता दो जो अपने दम पर पूर्ण बहुमत लाता है। ये जो काम हुए ना 1984 के बाद, भारत को भारतीय जनता पार्टी को अपने मुद्दे पर पूर्ण बहुमत मिला, इसलिए मोदी जी फैसले कर पाए। अगर पूर्ण बहुमत नहीं होता तो ये भी मनमोहन सिंह की तरह फैसला नहीं कर पाते, क्योंकि साझे की सरकार है। आज देश में कौन से दल की ऐसी हैसियत बनती है जो देश में अपने मुद्दे पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना ले? एक भी दल नहीं। इसलिए सारे मिल रहे हैं कि मोदी को रोकना है, क्या करना है, मोदी को हटाना है। क्या करोगे? फिर प्रधानमंत्री के लिए झगड़ेंगे, फिर मंत्रालय हटेंगे, फिर घोटाले करेंगे, फिर जेल जाएंगे, फिर बेल बनाएंगे। यही तो क्या दर्शन है? तो इसलिए कांग्रेस है, आप रोज टीवी देखते हो, रोज सर्वे देखते हो, सारी एजेंसी से 50 से 40-42 देने की कोशिश ये 50 से ऊपर आ जाए या 50 से नीचे आ जाए, इतनी लड़ाई और ज्यादा लड़ाई कांग्रेस की नहीं है। दूसरी बात ये पूछना चाहता हूं, भाई बीजेपी को वोट दोगे सारे देश को पता है प्रधानमंत्री कौन बनेगा, बताया ना क्या? नहीं पता, मोदी बनेगा कोई और बनेगा? मोदी। भाई बीजेपी को वोट देने का मतलब मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, अगर कहीं और बटन दबाओगे तो आपको पता है कौन बनेगा? कोई चेहरा है अगर उनमें हिम्मत है तो वो पहले देश के लोगों को बताएं कि मोदी नहीं तो ये हुआ, फिर देश के लोग फैसला कर देंगे। लेकिन उन पर मोदी के जैसा चेहरा है नहीं, चरित्र उनका बचा नहीं है, क्योंकि सब जेल हो गए हैं, 12,00,000 करोड़ के घोटालों में सबके चेहरे खाले, तो इसलिए वो चेहरा नहीं बता रहे। उन्हें मालूम है कोई बता दिया तो पहले दिन ही लुटिया डूब जाए। तो जब मोदी के जैसा नेता किसी के पास नहीं, नहीं आप सब काम के लोग हैं, मुझे एक बात बताओ,